as the family members of Mohammad Akhlaq, who was killed by a mob in a Dadri for allegedly storing and eating beef, met UP Chief Minister Akhilesh Yadav today. The CM said some external forces are trying to create an environment of communal tension in the state from the time his SP government has taken over. Akhilesh sympathized with the family and assured complete support to them. मैं इनको एक बार और परिवार को भरोसा दिलाता हूं कि परिवार की मदद भी होगी और हो सकता है राजनीति करने वाले कुछ भी आरोप लगाएं, राजनीति करने वाले कुछ रास्ता निकाल सकते हैं राजनीति का, लेकिन मैं आपके सामने और देश के सामने भरोसा दिला सकता हूं कि समाजवादी लोग कभी राजनीति नहीं करते इन बातों पर। कुछ ताकतें हैं, जब से समाजवादी सरकार बनी है उनके बीच कुछ न कुछ इस तरह का माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। मैं परिवार को इस समय जब आए हैं, हालांकि गांव में नहीं पहुंच पाया, तो मैंने ठीक समझा कि उन्हें मैं अपने पास बुला लूं, बैठ के बातचीत कर लूं और दुखी बांट सकते हैं। जो दुख है हमसे बांटने से, बातचीत से थोड़ा दुख कम हो सकता है। The family members of deceased Akhlaq and his injured son expressed satisfaction by the government's support. They also said they hope for the justice at the earliest. इस दुख की घड़ी में सभी मीडिया कर्मियों ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे पुलिस कर्मियों ने हमें बहुत सहयोग दिया। हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं, सभी मीडिया कर्मियों का धन्यवाद करते हैं। हम अपनी गवर्नमेंट से आशा करते हैं कि हमें न्याय मिलेगा और न्याय की गुहार के लिए ही मुख्यमंत्री जी से मिले हैं। पावर्ड बाय NNIS।